हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी साहब? वेलकम होगा जी आपका प्रोजेक्ट खैबर के थर्ड डे में। मैं हूँ शाहजेब बड़ैच और ये निका परा गुलरेज बड़ैच। तो आ गए जी, आज हमने इंट्रो भी जो ना आपका डायरेक्ट वर्कशॉप में आके ही करवाया। गर्मी है जी, हद से ज़्यादा मंड के टका के, और बस फिर जलाला जो है जैसे ये कह रहे हैं कि बाकी है टका के। तो चलते हैं जी गाड़ी की तरफ। ये देखें जी, हमारी जो है राइट साइड का जो वो काम स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, राइट साइड कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड का। ये जो है वो गुलाई लग गई है, इसकी फिटिंग हो रही है। ये इस साइड पे भी, यहाँ पे भी पीस लगेगा और अंदर वाली साइड पे भी। अच्छा, बाकी बाबा जी को कहा तो आया हमने कि जाना कि साइड के जो वो बेस वगैरह बनानी शुरू करें। वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा ख़त्म हो ले तो एकदम एक साथ ही मतलब जब वो हो गए इकट्ठा शुरू। बात तो सही है। टाइम भी कह रहे हैं 5 से 6 दिन लेंगे, या मतलब हफ्ता। तो हफ्ता ही उन्होंने ले जाना है। हमारी मतलब जो है ना वो खुवारी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट है। ख़त्म, बाय बाय टाटा। क्या चीज? ठीक करवा लेते हैं उसको पीस। ये पीस इधर ने आप बना के लगाया, गुलाई नहीं लगाई, पीस लगाया। ये पानी और नीचे से शेप खराब नजर आ रही है। देखें यहाँ से। A few inches later. बाकी हम इंटीरियर का भी आज चेक करते हैं कि हमारा जो है वो डैशबोर्ड, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से हमारा जाना, ये डैशबोर्ड डैमेज है, बकाया जो है वो। ये ग्रिलें वगैरह भी जो है ये भी मिल जाएंगी। और बाकी ये जो है ना, ये सेंटर वाला पैनल जो है ना, ये सारा ठीक है, बटन्स वगैरह हर चीज़ ओके है भाई। मोबाइल को बस ये डैशबोर्ड का पैड जो है ना, ये हुआ हुआ डैमेज, इसका भी हम कुछ जाना वो करते हैं, चेक करते हैं अगर तो हमें पैड मिलता है। ये वाला पूरा पैड अलग होता है ये ऊपर, तो इससे भी पोशिश जाती है, लेकिन पोशिश का ये होता है कुछ देर बाद ना वो बुलबुले बन जाते हैं। बाकी हम जो है ना ट्राई करते हैं कि ये मिलता है नया, मतलब अच्छी कंडीशन का काबिली मिलेगा, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है ना कोई नया वो वाला उस वाला इसी वाला हम पेंट वाला जो है ना वो करेंगे, जैसे 88 में किया था उसके डैशबोर्ड पे। One hour later. अच्छा जी, ये हमारी ना गाड़ी के जो है वो बोनट के कब्जे हैं ना, ये भी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, बिल्कुल फारिग हुआ पड़े। ये भी हम जो है वो हम लोग जो है वो नए ले आए हैं कब्जे भी। बाकी हमने ये एक बोनट रॉड भी इसका जो है वो, बोनट होल्डिंग रॉड जो है ये भी ले आए हम। A few hours later. लो जी जनाब जी, हमारा आज के दिन में अल्लाह के हुक्म से जी ये हमारी गुलाई लगी है जी, और ये पैनल के ऊपर ये पीस लगा है, और जो इधर से जंग वगैरह था ये अंदर वाली साइड पे भी सारा, ये देखें क्लियर हो गया। जैसा कि आप लोगों को बताया, हमारे उस्ताद जी बहुत अल्ट्रा फास्ट हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बोनट भी फिट हो गया जी, ये फेंडर भी हो चुका था। तो आज के दिन में हमारी जो है प्रोग्रेस जो है वो ये है जी, ये बोनट हुआ है और ये गुलाई लगी है ये पूरी, ये वाली, और ये। A few hours later. तो भाई लोगों,
जैसा कि आप लोगों ने देखा आज वीडियो के अंदर, आप लोगों को बताया भी है, हमारे जो डेंटर साहब की कार्रवाई, उसकी पूरे दिन की आई प्रोग्रेस जो है ना वो ये रही है कि उसने जनाब सिर्फ एक पैनल के ऊपर जो है ना वो जो दिखाया था आप लोगों को, वो उस पर पीस एक गुलाई और क्या किया जनाब ने, बोनट फिट किया, मतलब जो है ना उससे लेफ़्ट साइड का फेंडर भी फिट नहीं हुआ। तो बोनट की क्या बात थी वो मैं आप ही कर सकता था वैसे। मस्त जोक। तो बस ये जी प्रोग्रेस थी बेसिकली जो है ना, गलती हमारी भी है। वो क्या है कि हम जो है ना, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो दोपहर का टाइम हो गया था, वहाँ पे वर्कशॉप पे सही तरह से बैठने की जगह भी नहीं है, तो हमने कहा चले घर चलते हैं, काम वगैरह होता रहेगा तो फिर खाना वगैरह खा के, तो एक दफ़ा जो है वो असर की नमाज़ पढ़ के, तो उसके बाद आते हैं। हमने किया भी ऐसा ही, तो जाके देखा तो ये प्रोग्रेस थी जनाब टेंटर की। तो कोई नहीं, कर लांगे 10-17 सुबह इंशाल्लाह। कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो बाकी आप लोगों को बताया नहीं है उसमें वीडियो में कि, बल्कि हम कॉल पे मैंने जो है उसको मैकेनिक को कहा था कि उसका रेडिएटर ना गाड़ी का खोल के वो भी साफ़ वगैरह करवा दें, क्योंकि हमने जो है ना एसी वगैरह गाड़ी का वो करवाना है ऑन, तो उसके लिए रेडिएटर का जो है ना वो साफ़ होना ज़रूरी है। रेडिएटर है इसका अपना ही जेन्युइन है, कॉपर वाला जो है, तो वो तो कह रहा था कि जो है ना एवरेज है, कि मतलब गुजारा है, ना बहुत अच्छा है और ना जो है ना वो है हल्का है, बुरा है। तो बाकी फिज़िकली कंडीशन हमने देखी, हमें तो ठीक लगा, हमने कहा चलो ये अगर वैसे एसी ऑन करवा के देखेंगे, अगर तो ना अच्छी परफॉर्मेंस दी तो फिर चेंज कर लेंगे, नया लगा लेंगे। तो फ़िलहाल हमने इसीलिए जो है ना उसको अभी जो है ना वो वही फिट करवा लिया, और बकाया इंशाल्लाह अब सुबह ना मैं इंशाल्लाह डेंटर साहब दे सेर हाँ। समझ रहे हो ना, डेंटर साहब के सुबह इंशाल्लाह जो है ना पास, उसके मैंने गर्मी हुई जो भी हुआ इंशाल्लाह उसके उसके ऊपर बैठना, सर के ऊपर उसके, तो वरना ये काम जो है ना वो नहीं करता। को आज जो है ना वो पेंटर जो है ना वो बाबा जी, उनसे भी बात हुई है, वो भी कह रहे थे कि ये यहाँ से फ्री करेगा तो मैं जो है ना वो करूँगा काम, ऐसे ना हमारा काम जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, कि हमने बेस वगैरह बनानी है, गाड़ी कंप्लीट जो है ना वो शावर करवानी है, वो टचिंग वगैरह जो पीस वैसे तो बचते भी हैं, लेकिन ना वो इस तरह अच्छी नहीं लगेगी ना गाड़ी, मतलब वो एक पुराना पेंट है और ये साथ जो है दूसरा, तो गाड़ी कंप्लीट इंशाल्लाह शावर होगी, और बाकी अल्लाह खैर करे सुबह इंशाल्लाह पूरी ड्यूटी देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।